क्या यार, मतलब कोई ऐसा दिन ना होवे जब मैं आऊं तो बिल्कुल एक माहौल बढ़िया रहे वे चौकी का, कि काम हो रहा है एकदम, दो तीन केस आप बोलोगे मैडम सॉल्व हो गए हैं, आज आप छुट्टी ले लीजिए। मतलब क्या है, क्यों इतने बिल्कुल शांत परिंदे बन के खड़े हो? क्या बताएं मैडम, एक आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी मैडम। क्यों नहीं, सारी दूसरी शादी का रिसेप्शन है कि डिवोर्स की तारीख निकली है कोर्ट में? नहीं ऐसा नहीं है मैडम, मुझे क्या, गोपी को भी आधे दिन की छुट्टी चाहिए। बोलना तू कुछ। या मॉम, शी इज राइट इज द खली के साथ कर सकता हूँ मैं फाइट इज द। अच्छा क्यों भाई, कौन सा पहाड़ उखाड़ने जाना है दोनों को? अरे उखाड़ना नहीं, मतलब मैडम हम वो बैंक में गए थे ना, तो वहां पर उस आदमी ने इतनी सुताई की है मैडम, इतनी सुताई की शरीर अब तक रिकवर कहाँ किया है, मतलब इतना दर्द हो रहा है मैडम, तो हमको एक वैद्य जी के पास जाना है मैडम कि कुछ दवा ववा ले ले उनसे। क्यों अभी? या मॉम, माय बॉडी इज पेंटिंग। पेंटिंग? या दिस वन। सर भाई देखो, ऐसा है कि हेल्थ इज वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। अब तबीयत ही ठीक ना है तो क्या, वैसे वो बात दीगर है कि मैंने सोचा था आज जो है वो आलिंगन टाकीज में जो लगी है ना प्यार का कबूतर गुटर गुटर, उसकी मैंने मंगा रखी थी 3 टिकटें। मैंने सोचा था तीनों जाएंगे बढ़िया समोसों में, सब पॉप कॉर्न गोद में रख के जो है खाते हुए फिल्म देखेंगे, एक आपस में बॉन्डिंग सी भी हो जावे। बट सिंस तुम लोगों की तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात ना है, मैं ये परशुराम और जो है आनंद ले आऊ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैडम ऐसे मतलब आपने टिकट खरीद लिया तो ना थोड़ी ना बोल सकते हैं मैडम। एक्चुअली आपको सच बात बताऊं मैडम, तो हम भी ना यही फिल्म देखने का प्लान बना रहे थे, इसलिए ये सब, वरना आप आपने टिकट ले लिया तो आपके साथ चलेंगे। या मॉम, इसलिए बना रहे थे हम बहाना इस दा, आज मैं भूल गया नहाना इस दा। मन ने बेरा था कि मारी चौकी के वो किशन का नैया जो है ना कहीं मटकी फोड़ने के चक्कर में होंगे। माफी मैडम, माफी माफी मैडम, अब क्या है ये केस में इतना उलझ गए थे ना कि अब सोचा कि थोड़ा सा एंटरटेन कर लें इसलिए, लेकिन आपके एक रैप्टी ने एहसास दिला दिया मैडम कि हम लोग गलत थे। क्यों गोपी? या मॉम, टूट गया है ख्वाबिज़दा, आने वाला है आज वो नवाबिज़दा। बा अदब, बा मुलायदा, होशियार, दुश्मनों के दुश्मन, यारों के यार, नवाब साहब तशरीफ का टोकरा ला रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अरे आ गए आप लोग नवाब साहब, आइए 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 आइए, आ तो गए हैं और कितना आएंगे नवाब साहब? हाँ पहले मुझे ये बताइए कि आपने बैंक का पूरा मुआयना कर लिया? हाँ सर, मुआयना बिल्कुल कर लिया है, एकदम सेफ है सर, नवाब साहब अपना कीमती माल उसमें रख सकते हैं सर। लेकिन ये करोड़ों के गहने हैं, इन्हें पूरी पुलिस प्रोटेक्शन में लॉकर तक पहुंचाना होगा आपको। इस काम की जिम्मेदारी हम लेते हैं सर। सर जैन सर, हम खुद बजरंग पांडे नवाब साहब के साथ बैंक जाएंगे। बस सर, ये तो सर जी ने जिम्मेवारी ले लिया, अब अगर कुछ हो भी जाएगा तो इन्हें निकाल दीजिएगा नौकरी से। मतलब हो जाएगा सर। अरे नवाब साहब आप टेंशन ना लीजिए, बेफिक्र होकर घर जाइए और बेगम साहिबा का जो है बेहतरीन डांस देखिए आप। शुक्रिया शुक्रिया। ये बैंक है, कोई हमारा दीवान है खास नहीं, छतवीरान है। अरे तो उसमें क्या है नवाब साहब, जब ये चौकी में ठुमका लगा सकती है तो ये बैंक कौन सी बड़ी जगह है, चलता है। आपने सही फरमाया, बेगम साहिबा तो एक बार जनाजे में भी नाच चुकी है, क्यों हुजूर? देखिए शुक्ला जी, नवाब साहब ने मेरी गारंटी पर अपने करोड़ों के जवाहरात आपके बैंक में रखने के लिए तैयार हुए। सर आप गारंटी दे रहे हैं? सर नहीं सर, मैं सिर्फ कह रहा हूँ सर कि अगर बाय चांस, मतलब ऐसा हो ना, लेकिन अगर बाय चांस इनके सारे जेवर और सोना चांदी अगर गायब हो गए तो इसकी भरपाई क्या आप करेंगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों करूंगा? Well, आप ले रहे हैं गारंटी इज द, मेरी एक पड़ोसन मुझे बुलाती है पंटी इज द। अब एक मिनट यार, हम लेते हैं गारंटी नवाब साहब के करोड़ों के जेवर की। ठीक है मैनेजर साहब,
ये है हमारे करोड़ों के जेवरात, आप इन्हें अपने बैंक में महफूज रख दीजिए ताकि ना कोई इन्हें चुरा सके और ना ही लूट सके। अरे नवाब साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अरे ये शुक्ला की बैंक है, बड़ी पुरानी बैंक है। चतुर्वेदी साहब, यस सर, ये संदूक जो है लॉकर में रख दो कोना पकड़ के। आप बेफिक्र रहें सर, अब ये संदूक बिल्कुल महफूज रहेगा। मजा आ गया यार गोपी, कमिश्नर साहब से छुट्टी लेके फिल्म देख डाली। यार मम्मी से मांगते छुट्टी वो कर देती ना ऐसा। और क्या? अबे क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया स्कूटर को, एक बटे जरा उतरो। क्या यार गोपी, तेरा ये स्कूटर ना हमेशा तकलीफ देता है, हमेशा। देख क्या हुआ। क्या यार, सुबह पेट्रोल डलवाया मैंने इसमें। अरे ऐसा नहीं है ना, पेट्रोल डलवा के नारियल का तेल डलवा लेता। इसका कुछ नहीं होना, फेंक दे। यार कैसे कैसे फेंक दूं, दो मिनट रुकना यार, मैं करता हूँ स्टार्ट। गोपी ये तो वही कब्रिस्तान वाला इलाका है ना। गोपी चल यहाँ से निकल लेते हैं, वरना दुनिया से ही निकल जाएंगे। मेरा स्कूटर। अबे स्कूटर को छोड़, ऐसे ही चलते हैं, चल। मेरे दहेज का स्कूटर है यार। अबे तुझे अपने पुराने स्कूटर की पड़ी है, ये लोग कितने पुराने, उसका आइडिया है तुझे? तू रह इधर, मैं तो जा रहा हूँ। अरे सुन, अरे मां भी क्या सोच रही है, क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। मतलब मैडम आप ऐसी एकदम मतलब बावड़ी बिल्ली से, मेरा मतलब है कंफ्यूज लोमड़ी से, मेरा मतलब है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ क्लियरली बताइए ना। या मॉम टोल्ड हर व्हाट यू थॉटिंग इज द थिंकिंग, या दिस वन इज द हैव ए फन इज द। तुम लोगों के सवालों के जवाब आज रात मिल जाएंगे, हैव सम पेशेंस। और मैनेजर कहाँ है, आया ना, उसको बुलवाया था। Well, mom, आपने उसे बुलवाया इज्दा, वो देखिए वो आया इज्दा। ज्यादा यार रेडियो कमेंटेटर होने की जरूरत ना है, वो देखिए दिख रहा है मन ने भी। कैरी ऑन। मैडम जी नमस्ते, मैं बैंक मैनेजर शुक्ला। कितनी बार मिलके देगा अपना इंट्रोडक्शन, पहले मिल तो चुका है। ठीक है मैडम जाने दीजिए, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपने मुझे बुलाया क्यों है कोना पकड़ के। वो जो लाकर है ना बैंक में था रे, जिसमें नवाब साहब का माल पड़ा है खूब, लाखों का हीरे जवाहरात गहने जेवर ज्वेलरी, आज रात लुट जाएगा भाई। देखिए मैडम हमने आपसे कहा था ना कि भाई हमारी बैंक में तो एक बार आना तो ठीक है, लेकिन जहां हमारा लॉकर रखा हुआ है ना मैडम, अरे वहां पहुंचना तो मुश्किल, हम कहते हैं वो नामुमकिन है कोना पकड़ के। वैसे मैडम आप ये कैसे कह सकती हैं कि आज रात बैंक लूट जाएगा और जेवर चोरी हो जाएंगे। वेल मॉम हाउ द यू द श्योर इज द झंडू की दुकान पे घी मिलता है एकदम प्योर इज द। कैलकुलेशन नाम की हो बे एक चीज है, और अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन आज रात पड़ जाएगा डाका। अरे मैडम राका हो या साका, कोई नहीं डाल सकता हमारी बैंक में डाका, ये कंफर्म है। तो एक कंफर्म हम भी बताए दे रहे हैं। क्या? कि आज जो है बैंक बंद होगा, लोग अपने अपने घर को निकलेंगे बैंक से, वॉचमैन जो है खूब हाथ वाथ झाड़ के ताला वाला मार के गन अपनी निकाल के बैठ के बाहर ड्यूटी करेगा। हाँ तो मैडम उसमें क्या है, ये तो इनके बैंक का रोज का नियम है। आज रात नियम टूटेगा, क्योंकि बंद बैंक के अंदर अंधेरे में कुछ आंखें होंगी जो सब देख रही होगी। मैडम जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे बैंक के लॉकर में इतनी रात तक क्या कर रही हो, किसका इंतजार कर रही हो कोना पकड़ के। अभी मैनेजर कोना पकड़ के जरा चुप बैठो,
सबर करो, समझे? सबर का फल मीठा होता है। मेरी बुआ जी कहा करते थे, चुप रहो बातों नियों, चुप। हमारा प्लानिंग एकदम सक्सेसफुल रहा। हाँ, क्या बेवकूफ बनाया हमने उन पुलिस वालों को भी और इस नौकर के मालिक को भी। डॉगी वॉयलेंट है। हमारी असली प्लानिंग क्या थी ये किसी को पता नहीं चला। नौकरी परमानेंट है। अरे भैया, हमारे सेठ जी जितनी तनख्वाह हमको जिंदगी भर में नहीं देते उतना आप लोगों ने हमें एक महीने में दे दिया। तबीयत कैसी है नौकर? अरे अभी ये फालतू बातें छोड़ो और काम पे ध्यान दो। नौकरी परमानेंट है। हाँ हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कल सुबह जब ये बैंक खुलेगा और यहाँ पर लोग आएंगे और आकर देखेंगे कि तिजोरी में जो सोना चांदी हीरे जवाहरात रखे हुए थे वो सब का सब गायब है, तो उनके तो होश उड़ जाएंगे। डॉगी वॉयलेंट है। अरे बैंक तो क्या, पुलिस वाले के पास भी कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि भूतों पे ना तो किसी को शक होता है और भूतों के खिलाफ ना कोई सबूत होता है और भूतों को ना तो कोई सजा होती है। बिल्ली साइलेंट है। अरे चल जल्दी से बैग निकाल, लूटे चल। गुड मॉर्निंग। हम किधर आ गए हैं? बॉयज वेलकम टू द जंगल। नौकरी परमानेंट है? पुलिस ने तुम सबको चारों ओर से घेर लिया है, समझे? अंदर भी पुलिस है और भागने की कोशिश मत करना क्योंकि बाहर भी बहुत सारे पुलिस हैं। नौकरी परमानेंट हैंगी। और आओ नौकर, तुम भी अपने मालिक से मिल लो यार, हीरो भी है यहाँ पे, मिलोगे? आ जाओ हीरो। नौकर तू ऐसा निकलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैडम पानी बहुत ठंडा है। मैडम मतलब मान गया, मैडम आपको मान गया। अरे मैडम इस बैंक में, मतलब शुक्ला की बैंक में, इतनी पुरानी बैंक में जिसे मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित बैंक मानता था, उसमें डाका। तुम्हें क्या लगा भूत की कहानी बनाकर पुलिस को बेवकूफ बना लोगे? हाँ, पुलिस दूध पीती बच्ची है, स्कूल जा रहे हैं हम कैंडी लेके। अबे वो केस मैंने जानबूझ के बंद करवाया था ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ। सब तो मन्ने तभी हो गया था जब ये बेचारा FIR लिखाने आया।
ना मैं भी सोचूं ऐसी कौन सी भैया इस कलयुग में कंपनी हो रही, कौन इतने दानवीर लोग हो रहे हैं जो कॉपी टू कॉपी मैचिंग करने के, मतलब लिखाई करने के, एक कॉपी से दूसरी कॉपी इतनी मोटी पगार दे रहे हैं। और बात नंबर टू कि भैया वर्क टाइमिंग हो कितने माइंड ब्लोइंग कि सवेरे आइए बैठिए कुछ नहीं कुर्सी पर आराम से और एक कॉपी से दूसरी कॉपी में लिखिए, शाम तक यो ही करिए। इसका मतलब यो कि एक बेचारे आदमी को इस फालतू काम में बिजी रखा जा रहा है और इसके पीठ पीछे एक कांड को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन मैडम आपको शक कहाँ से हुआ, मतलब कि कैसे हुआ कि ये लोग यहीं से निकलेंगे? इस बैंक के आसपास जितनी दुकानें हैं उन सब की बैंक तक की दूरी मैंने नपवाई तो पता लगा कि भैया जो थारी दुकान है उससे डायरेक्ट बैंक तक को एक सुरंग निकल सके, मतलब इजीली डायरेक्ट स्ट्रेट अवे। फिर मैंने पता लगवाई कि अगर सुरंग बनवाई जाए तो कितने टाइम में बनेगी, और उस सुरंग एक्सपर्ट के पास हम खुद पर्सनली गए और उसने हमें बताया कि तुम्हारे दुकान से इस बैंक तक अगर सुरंग बनाना है तो 1 महीना लगेगा। और ये भी पता चला कि किसी और दुकान से अगर सुरंग बनाई जाए तो 2 से 2.5 महीने लगेंगे। फिर क्या है, बात बिल्कुल पानी की तरह साफ है। 1 महीने तक डे नाइट काम चला है, दिन में तब जब तू वहाँ कॉपी करने में बिजी था और रात को जब तू अपने ये विश्वसनीय वफादार लाडले नौकर को छोड़ जाता था दुकान के अंदर, ताला मार के सोता ना था, खुदाई में लगा हुआ था, खूब चाय पानी देता था मजदूरों को सुरंग बनाने में हेल्प। So, इंडियन भाइयों और विदेशी बहनों, जेल की हवा खाने तैयार हो जाओ। हम लोग जेल जाएंगा, नौकरी परमानेंट है। Well, mom, you are terrorist. Terrorist? Yeah, this one.